नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतरिक्ष न्यूज। प्रस्तुत है आज की शिक्षा विभाग न्यूज अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। मार्च माह का अंतरिक्ष मानदेय शुक्रवार तक सभी जिलों में आने की संभावना। एक और अंदेशिका ने अपने पद से त्याग पत्र दिया। दिल्ली की रिपोर्ट अस्थायी कर्मचारी की नियमित किए जाने की भाजपा लीडर्स की मांग, राज्यपाल से मिले, अंदेशक से गुमशुदा बच्चे को मिलवाने में मदद करें। आवश्यक सूचना, किसी भी सूचना को चैनल पर दिखाने के लिए हमें संपर्क करें, हमारे ईमेल नंबर पर लिखें। अब खबर विस्तार से। अंदेशकों के मानदेय संबंधित एक बड़ी अपडेट आ रही है। मार्च माह का बजट अपडेट है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी अंदेशक साथियों को अवगत कराना है कि मार्च माह के मानदेय का बजट शुक्रवार तक सभी जिलों में प्रेषित हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने ज़िले में मानदेय बिल बनवा कर तैयार रखें ताकि बजट आते ही समय से मानदेय सभी के खातों में आ सके। धन्यवाद। आपका हिमांशु वर्मा, रायबरेली से ये पोस्ट आ रही है। आप सभी जिलाध्यक्ष इस बात को ध्यान करें, नोट करें। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक श्री अन्वेषिका ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। शारीरिक शिक्षा की अन्वेषिका हरदोई से हैं ये, और इन्होंने स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। इनका कहना है कि हम अपने पद से घरेलू कार्यों को लेकर त्याग पत्र दे रहे हैं। घरेलू कार्य और स्कूल के कार्यों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, मानसिक तनाव रहता है, इस कारण हम इस पद से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं। हमारा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। सर्वेश्वरी पाल, पत्नी उमेश पाल, निवासी ग्राम धर्मापुर, विकासखंड 52 हरदोई से हैं। इन्होंने अपने पद से समस्याओं के चलते त्याग पत्र दिया है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये है, अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को राज्यपाल से मिले भाजपा नेता। अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई है। न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली से ये समाचार है। और इन्होंने अस्थायी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको राज्यपाल तक रखा और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की भी बात इस पूरे समाचार में रखी गई है भाजपा लीडर्स के द्वारा। इसी तरह प्रदेश, समस्त प्रदेशों में अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया जाए, उन्हें नियमित किया जाए। शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के अनुसार समस्त शिक्षकों को जो कि अस्थायी रूप से लगे हुए हैं उन्हें नियमित करने का प्रावधान है और जल्द से जल्द किए जाने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग गोरखपुर के खेल अनुरक्षक श्री अनिरुद्ध जी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंडा भारत वास गांव में कार्यरत हैं। उनका पुत्र 5 वर्ष दिनांक 2 अप्रैल से नहीं मिल रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और एक अनुरक्षक भाई के इस गंभीर समस्या को दूर करने में मदद करें। चैनल की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट। साथियों, यहाँ पर एक सूचना देना चाहेंगे, अगर आपकी भी कोई समस्या, कोई सूचना है तो आप हमें हमारे ईमेल नंबर पर भेज सकते हैं, हम अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करेंगे निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बच्चा खो गया है, अंदेशक भाई हैं, उनका बेटा है ये, और इसे मिलवाने में मदद करें। कोई सूचना हो तो चैनल पर ईमेल करके बता सकते हैं या अंदेशक भाई को डायरेक्ट फ़ोन कर, मैसेज कर उनकी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।